अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। आज का लेक्चर हम 10 हैं और इसमें आज पढ़ेंगे जो डेरिवेटिव ही करेंगे, लेकिन डेरिवेटिव जो करेंगे हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये हमने चार टॉपिक समझ लें कवर करने हैं आज के लेक्चर्स में। थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा कि भाई इतने ज़्यादा टॉपिक हैं, लेकिन मुश्किल नहीं होंगे, आसान है। तो आप देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से। सो फॉर एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस, सो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेट टू डिफाइन वाई एक्सप्लिसिटली एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल, वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है क्योंकि वाई जो है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन है क्योंकि ये y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली। एंड इम्प्लिसिट फंक्शन जैसे y स्केयर प्लस 2yx प्लस 4x स्केयर इज टू 0, दिस इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन। दोनों y और y जो है इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिखा हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन। एक एग्जांपल देखें, एक और y पावर 5 माइनस 3y स्केयर x स्केयर प्लस 2 इज टू 0, सो दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। No, we start with the example. Use implicit differentiation to find dy by dx if 5y square plus sin y is equal to x square. ये है implicit function है, इसकी derivative find करना है dy by dx. So सबसे पहले आप दोनों तरफ का derivative ले लें, तो d by dx of 5y square plus sin y is equal to d by dx of x square. आप क्या करेंगे, फिर पहले इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव लेंगे इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्केयर। सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 5 वाई स्केयर का डेरिवेटिव, 5 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो वाई स्केयर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स लिख दिया प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, सो इज इक्वल टू एक्स स्केयर का डेरिवेटिव आता है 2x, पावर रूल अप्लाई कर दिया। देन ओके, वाई स्केयर का डेरिवेटिव आता है 2y, और फिर y का फिर डेरिवेटिव x के लिहाज से dy वाई बाई डी एक्स लिखेंगे प्लस ये साइन y है, तो साइन का डेरिवेटिव लेना है cos ऑफ y, लेकिन y का फिर डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि x तो नहीं है ना, ये y है, तो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos y इंटू dy वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू 2x एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों में से देखें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 2 10 वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस cos y dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। अब करना ये कि dy वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेना है और dy वाई बाई डी एक्स को एक साइड पर रखना है लेफ्ट के ऊपर, और बाकी सारी टर्म जो वो राइट के ऊपर आपने ले जानी है, इस तरह सॉल्व करना है। यानी आपने इसको सॉल्व करना है फॉर dy वाई बाई डी एक्स के लिए। तो हमें देखें, यहाँ से dy वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, तो ये पहले इसमें से आ गया 10y आ गया प्लस cos y, और सबसे बाहर ब्रैकेट से बाहर आ गया dy वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2x। सो आप इसको डिवाइड कर दें, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2x ओवर 10y प्लस cos ऑफ y, ये इसका डेरिवेटिव आ गया बाई यूजिंग द इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। नो कंसिडर y इज गुड एफ ऑफ एक्स। अब इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन हमने किया, हम क्वेश्चन से हमें देखा कि हमने कैसे करना है काम, इसको प्रोसीड कैसे करना है। अब गिवन फंक्शन होगा y इज गुड एफ ऑफ एक्स, हमने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। यहाँ ये क्रिएटिंग लिखा हुआ है, इसको ट्रीटिंग कर दीजिएगा, स्पेलिंग हो गई TREATING, ट्रीटिंग y को ट्रीट करेंगे एज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। नो एंड लास्ट आप सॉल्व फॉर dy बाई डी एक्स, तो आपने dy बाई डी एक्स के लिए सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, यू विल गेट द आंसर। नो स्टार्ट विद द एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को मैं फिर करता हूँ जी, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज टू 1। आपने इसका डेरिवेटिव लेना है और दोनों तरफ का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर इसको सॉल्व करेंगे फॉर dy बाई डी एक्स। इसको हम करते हैं जी, सो हमारे पास जो गिवन है फंक्शन है कि मैं इसको इधर ही सॉल्व करता हूँ, देखें dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव क्या होगा,
जीरो जगह मैं जीरो डायरेक्ट लिख देते हैं। अब इसके अप्लाई कर दें जी प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो पहले एक्स को छोड़ देंगे तो वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस y को एज इट इज रखेंगे और x का डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव होगा 1 हो जाएगा इसको टू 0। तो अब x dy वाई बाई डी एक्स एक साइड पे और जिसके साथ dy वाई बाई डी एक्स नहीं है वो टर्म हम दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस वाई। अब dy वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इधर जो x मल्टीप्लाई हो रहा है ये क्या आएगा माइनस वाई ओवर x, ये इसका सोल्यूशन आ गया। नो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, यूज इम्प्लिसिट डेफिनेशन टू फाइंड डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज गुड टू 1। इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा एक्स क्यूब का, 3x स्क्वायर, ठीक है जी। पहले अच्छा सेपरेट लिख लें दोनों को, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब और इसका डेरिवेटिव जीरो डायरेक्ट लिखते थे। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव है 3y स्क्वायर, लेकिन ये y का डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं ना, तो dy वाई बाई डी एक्स भी साथ आ जाएगा। सो प्लस 3y स्क्वायर dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे 3x स्क्वायर को हम जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म जो है वो लेफ्ट पर रहेंगे बाकी सब राइट पर लेके जाएंगे। तो पहले 3x स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं उधर, तो ये माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास रह गया अब y स्क्वायर जो होगा उधर शिफ्ट कर लें, y स्क्वायर उधर हो गया डिवाइड हो जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। एक्चुअली होता है क्या है कि वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, ठीक है, डिवाइड करते हैं तो ये वाई स्क्वायर कट जाएगा और इधर यहाँ पे राइट के ऊपर वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर आ गया। आप इसको फिर डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, याद रखिएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब इसके ऊपर रूल कौन सा अप्लाई होगा जी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, कोशेंट रूल, इसके ऊपर कोशेंट रूल अप्लाई हो गया। सो माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो वाई स्क्वायर था नीचे इसको एज इट इज रखा और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये जो माइनस है मैंने ये बाहर ले लिया पहले से सबसे बाहर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर वाला इसको एज इट इज रखा और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर और नीचे वाला जो था वाई स्केयर का स्केयर होगा तो वाई की पावर 4 हो जाएगी। अब वाई स्केयर एज इट इज एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x माइनस एक्स स्केयर एज इट इज और वाई स्केयर का डेरिवेटिव होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई वाई की पावर 4। अब ये देखें इसका डेरिवेटिव हमने इधर लिख दिया और इसका डेरिवेटिव ये, तो सिंप्लीफाई करेंगे 2x वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ओवर वाई 4। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है आप जी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये हमने पुट कर दी माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। अब इसको बाकी हमने सारी टर्म्स एज इट इज लिख दी, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर देखा जाए तो क्या अगर y स्केयर अगर ले लें एलसीएम ये y और y से कैंसिल भी हो जाता है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x वाई क्यूब प्लस 2x 4, ये x स्केयर 4 हो जाएगा और y 4 है तो इधर से एक 1 आएगा वाई की पावर 5। तो ये सिंप्लीफिकेशन है जो आप खुद देख सकते हैं कि कैसे करनी है, आसान सा काम, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है जी। वन मोर एग्जाम्पल, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व वाई स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एट द पॉइंट्स 2 माइनस 1 एंड 2 1। स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप फाइंड करना है एट दीज पॉइंट्स। ये जो पहला क्वाड्रेंट है एक्स को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाई होता है, याद रखिएगा यहाँ एक्स 2 है वाई माइनस 1 है, यहाँ एक्स 2 है वाई प्लस 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे बाय यूजिंग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। हमने टेंजेंट फाइंड करना है, टेंजेंट किसके स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है,
स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होता है, द फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, स्लोप इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इस जो गिवन इक्वेशन है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे बाय इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये माइनस टू नहीं है, ये गलती से टू आ गया, एक्सेसिव, ठीक है जी, इसको कैंसिल आउट कर दें, ये एक्स है इसको करेक्ट करते हैं। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लग माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव जीरो होगा, लिखने की जरूरत नहीं, इक्वल टू जीरो। सो अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव टू वाई, वाई स्क्वायर टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन है, इक्वल टू जीरो, और माइनस वन को तो लेके जाएंगे प्लस होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वन ओवर टू वाई। हमने इसको सॉल्व किया फॉर डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया वन ओवर टू वाई, ये क्या आ गया स्लोप। अब इसमें किस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना है, इस पॉइंट के ऊपर भी, इस पॉइंट के ऊपर भी, दोनों पॉइंट्स पे। तो अब ये एक्स टू है, वाई माइनस वन है, तो वाई जब माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन ओवर टू आ जाएगा वैल्यू, और जब ये प्लस वन रखेंगे तो ये वन ओवर टू प्लस आ जाएगी। सो डी बाई डी डी वाई डी एक्स वन ओवर टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है टू माइनस वन, एक्स को टू है वाई माइनस वन, सो डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू एंड वाई इक्वल माइनस वन, सो दिस इक्वल वन ओवर टू इंटू माइनस वन, माइनस वन बाई टू, एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट टू वन, सो डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू वाई इक्वल वन इक्वल टू वन ओवर टू इंटू वन, ये वन बाई टू आ गया, सेकंड सो। एंड नो द डेरिवेटिव ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन, हाँ जी, लॉग के डेरिवेटिव दूसरे सेक्शन, आप आगे हम दूसरे सेक्शन पे कह सकते हैं कि उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल की करेंगे, फिर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। सो डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स दिस इक्वल टू वन ओवर एक्स, वेयर एक्स ग्रेटर दैन जीरो, ये फार्मूला याद रखना है, एंड डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी दैट इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स ओवर लॉग ऑफ बी, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x ओवर log ऑफ b, एंड दिस इक्वल टू वन ओवर नेचुरल log ऑफ b इंटू वन ओवर x। आपने डायरेक्ट याद रखना है यहाँ से यहाँ पर कि इसका जो log ऑफ x टू द बेस b का डेरिवेटिव होगा वन ओवर नेचुरल log ऑफ b इंटू वन ओवर x। सो दिस इज गिवन वेयर x ग्रेटर देन जीरो, हाँ जी क्लियर हो गया फार्मूला, याद रखना है इस फार्मूले को, दोनों को हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यूज़ करेंगे। सो जनरलाइज, आप इनको जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं, जनरलाइज डेरिवेटिव फार्मूलाज, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ यू वेयर यू इज अगेन फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसको पहले होगा वन ओवर यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, और इसका जो होगा जनरलाइज फार्मूला डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ यू टू द बेस बी वन ओवर यू इंटू नेचुरल लॉग ऑफ बी इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये दोनों याद रखें, ये भी दोनों याद रखें फार्मूलों को, तो हम इनको अप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ओके जब हमने पांच एग्जांपल लिखी हैं, वाई इज टू लॉग ऑफ फाइव एक्स, टू है वाई इज एक्स क्यूब लॉग ऑफ एक्स, थ्री है वाई इज एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ थ्री माइनस टू एक्स टू द बेस टू, वाई फोर है वाई इज नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एंड नंबर फाइव है वाई इज टू कॉज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब देखिए इनमें जो हमने पहले भी फार्मूले पढ़े हैं टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, वो भी अप्लाई होंगी इसमें, ठीक है, वो कैसे अप्लाई होंगी, कहीं प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, कहीं पे क्वेश्चन रूल होगा, पावर रूल होगा, ये भी लग रहे होते हैं सारे। तो लेट्स स्टार्ट विद फ्रॉम द फर्स्ट वन जी, सोल्यूशन वन, वाई इज टू नेचुरल लॉग ऑफ फाइव एक्स, डेरिवेटिव लेंगे हम, पहले फार्मूला देख लें कि जनरलाइज फार्मूला क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ यू इक्वल टू वन ओवर यू डी यू बाई डी एक्स, इसको अप्लाई करना है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ नेच लॉग ऑफ फाइव एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ फाइव एक्स। अब फाइव एक्स किसके इक्वल है, यू के इक्वल है आपका, फाइव एक्स यू का इक्वल रखेंगे, सो वन ओवर फाइव एक्स
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव एक्स, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो फाइव एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, फाइव, तो ये आंसर आ गया वन ओवर एक्स आ गया इसका डेरिवेटिव। नो क्वेश्चन नंबर टू, वाई इज एक्स क्यूब इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। देखिए डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन है, एक्स क्यूब एक फंक्शन है और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो अब इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होगा, जी प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। ये हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, एक्स क्यूब को बाय रखा और लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस लॉग ऑफ एक्स को बाय रखा और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, यहाँ पे हमने अप्लाई किया प्रोडक्ट रूल इस पूरे के ऊपर। अब लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन ओवर एक्स, तो एक्स क्यूब इंटू वन ओवर एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऐसे रहेगा और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है थ्री एक्स स्क्वायर। हाँ जी डेरिवेटिव है क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर। सो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर। सो हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया इस क्वेश्चन का, अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इसको। सो एक्स क्यूब है डिवाइडेड बाई एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर रह जाएगा प्लस थ्री एक्स स्क्वायर पहले लें इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन वाई इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। नो द क्वेश्चन नंबर थ्री, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ थ्री माइनस टू एक्स टू द बेस टू। अब देखिए इसमें भी ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर है, दूसरा ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, दोनों पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सो डी हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ थ्री एक्स थ्री माइनस टू एक्स टू द बेस टू। यहाँ बी किसके इक्वल है, टू के इक्वल हो गया, और यू किसके इक्वल है, थ्री माइनस टू एक्स, याद रखिएगा फॉर्मूले का। सो फर्स्ट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को बाय रखा तो डेरिवेटिव लिया डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ थ्री माइनस टू एक्स टू द बेस टू प्लस, अब इसको लॉग ऑफ थ्री माइनस टू एक्स टू द बेस टू को बाहर रखा और डेरिवेटिव लिया एक्स स्क्वायर का। ये कौन सा रूल अप्लाई हो गया, जब भी हमने प्रोडक्ट रूल जो था वो अप्लाई किया है, ठीक है जी, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। अब देखिए हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, इसके लिए हमें ये फार्मूला चाहिए, ठीक है, इस फार्मूले को याद रखें, ये अप्लाई होगा इसके ऊपर। तो b के ऊपर देखें क्या है, b इज इक्वल टू टू है, सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर, सो वन आवर u थ्री माइनस टू एक्स यू है नेचुरल लॉग ऑफ टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री माइनस टू एक्स एंड प्लस ये एज इट इज आ जाएगा लॉग ऑफ थ्री माइनस टू एक्स टू द बेस टू और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, तो ये 2x का डेरिवेटिव होगा, ये हमने ऐसे ही लिख दिया एज इट इज़। अब इसको ये करना है 3 माइनस टू एक्स, बाकी सारे एक सारे ऐसे लिखने हैं, 3 माइनस टू एक्स का सिर्फ डेरिवेटिव रहता है ये लेना है। तो हमने ये एक्स स्क्वायर और 3 माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस टू, यहाँ लिख दिया क्योंकि 3 का डेरिवेटिव 0 है, माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस टू है चूँकि एक्स का डेरिवेटिव वन होगा तो माइनस टू सात आ जाएगा माइनस टू, और नीचे था थ्री माइनस टू एक्स और इंटू नेचुरल लॉग ऑफ टू ऐसे लिख दिया प्लस ये जो टू एक्स है ये लॉग से पहले लिखा इंटू लॉग ऑफ थ्री माइनस टू एक्स टू द बेस टू, तो ये इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया इसमें। एंड नो नंबर आप इसको चाहें तो मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि माइनस टू एक्स स्क्वायर और ओवर एज इट लिख दिया, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर सवाए इसके कि ये ब्रैकेट ख़त्म करके माइनस टू एक्स स्क्वायर लिख दिया। सो दिस इज योर द रिक्वायर्ड रिजल्ट। एंड नाउ वो कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर, वाई इज़ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब देखिए दो दफ़ा लॉग आ रहा है, ये जो अंदर वाला लॉग है इसको एज ए यू ट्रीट करेंगे हम, तो पहले लिखें जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये जो नेचुरल ये वाला लॉग है ब्रैकेट के अंदर इसको एज ए यू ट्रीट करें, ठीक है, ये यू ट्रीट करें तो वन ओवर यू ये वाला यू, ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। देखें जी नेचुरल फार्मूला जो जनरलाइज फार्मूला वन है उसमें
ये आप इसको u ट्रीट करेंगे तो ये आता है 1 ओवर u मीन 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, u किसके इक्वल है लॉग ऑफ x के। क्या मैंने कहा इसको रिपीट करता हूँ, ये जो नेचुरल लॉग ऑफ x है इसको आप u कंसिडर कर लें, u को इक्वल रख लें और फिर देखेंगे आप और फार्मूला देखें जनरलाइज फार्मूला तो आप आसान हो जाएगा समझना। नेचुरल लॉग ऑफ x का क्या होता है जी डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, सो इसका डेरिवेटिव 1 ओवर x और ये नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज़ आ गया बीच, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। नंबर 5 y इज इक्वल टू cos इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x, ये नेचुरल लॉग ऑफ x यहाँ पे फिर u कंसिडर करेंगे, तो पहले डेरिवेटिव लिखें जी, लिखेंगे कैसे dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। अब ये कॉस का डेरिवेटिव तो आपको पता है क्या होता है माइनस साइन, ठीक है, ये इसको कंसिडर करना है यू, तो हम लिखेंगे माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फिर सो माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स और लॉग इस लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर x, ये 1 ओवर x आ गया। सो वी एफ हमने 5 एग्जाम्पल्स किए हैं जिनमें जिनके अंदर लॉग इन्वॉल्व था, जिनके अंदर दूसरे रूल भी अप्लाई हो गए, पावर रूल भी अप्लाई हो गए, प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई हो गए, तो हमने इनके डेरिवेटिव्स फाइंड किए। तो आपने देखा आपने क्वेश्चन क्या मुश्किल तो नहीं लगे होंगे, यकीनन आसान है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे की तरफ जा रहे हैं, मज़ीद चीज़ें सीख रहे हैं। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखिए जी क्वेश्चन है वाई इक्वल एक्स इंटू 1 प्लस x² होल पावर 1/3, ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो आप ये कर सकते हैं जी आप इसको प्रोडक्ट रूल लगा दें, ठीक है उसको करें, एक तरीका ये है कि आप इसका लॉग ले लें दोनों तरफ नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग लेने से फिर नेचुरल लॉग के लॉज अप्लाई हो जाएंगे तो सारी की टर्म सारी के सारी टर्म सेपरेट हो जाएंगी प्लस या माइनस की फॉर्म में। देखते हैं जी हम आगे किस तरह किया हुआ है, y इज टू एक्स इंटू 1 प्लस x² होल पावर 1/3, अब इसके दोनों तरफ का नेचुरल लॉग ले लें, लॉग टेकिंग एल एन ऑफ बोथ साइड्स, नेचुरल लॉग ऑफ y इज टू नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू 1 प्लस x² होल पावर 1/3, अब देखें ये प्रोडक्ट है ये x और 1 प्लस x² x एक फंक्शन है और 1 प्लस x² इसकी होल पावर 1/3 दूसरा फंक्शन है, तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका लॉग होता है, तो उसको हम सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x² की पावर 1/3। हाँ जी आसान है काम, नेचुरल लॉग के फार्मूले याद है ना, लॉग के फार्मूले बड़े टिपिकल फार्मूले, 4 फार्मूले हैं और उसमें आपने जो फंक्शंस में पढ़ा था उसमें लॉग के फार्मूले भी बताए थे, तो वही हमने अप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर दिया। अब एक और भी अप्लाई हो जाएगा, ये जो पावर है वो लॉग से पहले आ जाएगी, सो वी कैन राइट नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1/3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x². आप देखें अब इसका डेरिवेटिव लेना आसान है कि प्रोडक्ट रूल मुश्किल था, तो आप इसको दोनों तरफ का डेरिवेटिव ले लें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x² और फिर इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेपरेट, सो 1 ओवर y। अब ये देखें जी आप ये नेचुरल लॉग ऑफ y, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर y और y का फिर डेरिवेटिव x के लिहाज से, ठीक है, तो ये चूंकि y है ना तो y का डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से, तो dy by dx आ जाएगा फिर, तो ये 1 ओवर y इंटू dy by dx और दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1/3 डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x², यानी हमने दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव लिख दिया, अभी डेरिवेटिव लिया नहीं है, ठीक है जी, तो ये एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है जी, जल्दी से बोलें जी 1/x, बिल्कुल सही है जी 1 ओवर x प्लस 1/3 एज इट इज आ जाएगा। आप देखें इसको जनरलाइज लॉग का फार्मूला, जनरलाइज फार्मूले जो लिखे हैं लॉगरिथम के, इसको आप यू कंसिडर करें,
इसको आप u कंसिडर करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 1 बाई 3 एज इट इज आ जाएगा, ये 1 ओवर u बनेगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, याद आ गया आपको, इसको u कंसिडर करेंगे और जनरलाइज फार्मूला अप्लाई कर दिया, सो इजी। सो 1 ओवर y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर x एज इट इज लिख दिया 1 बाई 3 और ये 1 प्लस एक्स स्केयर एज इट इज लिखा, और ये जो है 1 प्लस एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या बनता है 2x है, ये 2x है जी, यहाँ पे 2x, ये सिर्फ 2x है। ओके, इसका डेरिवेटिव हमने ये लिख दिया। सो अब y जो होगा इधर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये y इंटू ये ऑल टर्म्स हमने ऐसे लिख दी, 1 ओवर x प्लस ये 2x, 1 से मल्टीप्लाई होकर 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्केयर। अब y की वैल्यू जो शुरू में थी वो यहाँ रख देनी है, सो y किसके बोलता है x इंटू 1 प्लस एक्स स्केयर ऑल पावर 1 बाई 3 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 2x ओवर 3 प्लस एक्स स्केयर, ये आगा आंसर। आप चाहे तो मजीद सिंप्लीफाई करना ज़रूरत नहीं है, करें तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। अब आते हैं जी डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, लॉग के भी डेरिवेटिव ख़त्म होंगे, और अब डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। आपको पता है लॉग लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इनवर्स हैं एक दूसरे के। ठीक है जी, तो इसके एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव भी आसान फार्मूले हैं। सो डी बाई डी एक्स बी एक्स इज इक्वल टू बी की पावर एक्स इंटू नेचर लॉग ऑफ बी, बी ग्रेटर दैन जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू वन है, बी इज कॉन्स्टेंट, फिर बी इज कॉन्स्टेंट ग्रेटर दैन जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन, सो इसका डेरिवेटिव होगा बी की पावर एक्स इंटू नेचर लॉग ऑफ बी। सो इन पार्टिकुलर अगर बी की जगह ई हो, यानी नेचुरल बेस होती है ई की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होगा हमेशा। जनरलाइज फार्मूले से करते हैं, डी बाई डी एक्स बी की पावर यू इज इक्वल टू बी की पावर यू इंटू नेचुरल लॉग ऑफ बी इंटू डी यू बाई डी एक्स, बी ग्रेटर दैन जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू वन, ये कंडीशन भी है साथ। तो ये जनरलाइज फार्मूला क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ बी रेस पावर यू इज इक्वल टू बी रेस पावर यू इंटू नेचुरल लॉग ऑफ बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसका एक्सपोनेंशियल क्या होगा, ई रिस पावर यू इज इक्वल टू ई रिस पावर यू एज इट इज इंटू डी यू बाई डी एक्स, यू का फिर डेरिवेटिव हो जाएगा। सो इन फार्मूलों को याद रखें और हम इनको अप्लाई करते हैं, फार्मूलों का जैसे बता दें चार्ट बनाना है, चार्ट के अंदर आप ये फार्मूले ऐड करते जाएं अपने। ठीक है जी, जैसे बताया हुआ है ना कि आप एक चार्ट बनाएं, उसमें जो फार्मूला आप पढ़ते जा रहे हैं उसके अंदर ऐड करते जाएं, तो आप इन फार्मूलों को भी उस अपने चार्ट के अंदर ऐड कर दें। सो एग्जांपल डी बाई डी एस डी बाई डी एक्स ऑफ टू रेस पावर एक्स, हाँ जी बी किसके इक्वल हो गया, टू हो गया, तो इसका फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे टू पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ टू। अभी पढ़ा फार्मूला डी बाई डी एक्स ई रेस पर माइनस टू एक्स, ये जो माइनस टू एक्स हो गया ये यू के इक्वल हो गया, तो पहला ई की पावर ये एज इट इज आ जाएगा, फिर माइनस टू एक्स का फिर डेरिवेटिव होगा। सो ई रेस पर माइनस टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस टू एक्स, जनरलाइज फार्मूला देखिए, और माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव वन, तो माइनस टू ई रेस पर माइनस टू एक्स, ठीक है जी, ये माइनस टू है, माइनस टू ई रेस टू द पावर माइनस टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस पावर एक्स क्यूब, हाँ जी पहले ये एज इट इज आ जाएगा, फिर जो एक्स क्यूब है उसका फिर डेरिवेटिव हो जाएगा, तो क्या होगा ई रेस पावर एक्स क्यूब और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, यानी आप यहाँ यू किसके इक्वल हो गया, यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, यू इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया। सो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस पावर एक्स क्यूब। नंबर फोर,
डी बाई डी एफ ई रेस पावर कॉज एक्स, कॉज एक्स का देखें ये कॉज एक्स इसके इक्वल हो गया आपका यू के इक्वल है, कॉज एक्स हो गया यू के इक्वल, सो ई रेस पावर कॉज ऑफ एक्स डी बाई डी एफ कॉज ऑफ एक्स। तो कॉज का फॉर्मूला है किसका डेरिवेटिव है, हाँ जी कॉज किसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, कॉज किसका नहीं कॉज का डेरिवेटिव क्या है ये देखें, कॉज का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इंटू ई रेस पावर कॉज ऑफ एक्स है नो दे। अब हम जी एक्सपोनेंशियल के भी डेरिवेटिव्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के भी डेरिवेटिव्स कर लिए, लॉगरिथमिक भी कर लिए, अब आते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाँ जी फार्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़े से मुश्किल लगते हैं लेकिन फार्मूले ही याद रखने हैं आपने और फार्मूले से ही करना है, क्यों हमने कोई बाई डेफिनेशन या नहीं करना, तो फार्मूले याद रखेंगे तो सारी चीज़ें आसान होती हैं। डेरिवेटिव में तो आपके फार्मूले हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, और आप लोगों ने चूंकि एप्लीकेशन चाहिए आपने सिर्फ अप्लाई करना है, तो हम आपको ये फार्मूले ही याद रखने हैं और इन्हीं पे काम करवाना है आपने। अपनी बुक से आप देखिएगा एक्सरसाइज जो है उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस के भी और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के भी डेरिवेटिव्स, वो आप डेरिवेटिव की प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको इन के ऊपर कमांड आ जाए। याद रखिएगा जितने क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे फार्मूले अप्लाई करेंगे, बार बार फार्मूला देखेंगे फार्मूले याद हो जाते हैं, इस तरह कहेंगे अगर आप रटा लगाएंगे तो फार्मूले रटा नहीं लगते कभी, वो क्या होते हैं प्रैक्टिस इस्तेमाल करने से चीज़ें आती हैं। ठीक है जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एक्सपर्ट होंगे आप, कोई भी फील्ड देख लें ना जब तक प्रैक्टिस नहीं होती एक्सपर्ट नहीं होता, तो ये मैथमेटिक्स भी ऐसे है ये प्रैक्टिस मांगता है, ऐसे नहीं कि आप एक दफ़ा पढ़ लिया तो आपको आ जाएगा। तो आई होप यू विल डू द एक्सरसाइज आल्सो, गो थ्रू अपनी बुक से देखें बुक के अंदर कौन सी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन करें। सो नेक्स्ट ओके कम टू दिस टॉपिक द डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जनरलाइज फार्मूलेज हम देखते हैं इसके। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स ऑफ यू इज इक्वल टू वन ओवर वन माइनस यू स्केयर इन टू डी यू बाई डी एक्स। हाँ जी साइन इनवर्स ऑफ यू इसका डेरिवेटिव क्या होगा वन ओवर वन माइनस यू स्केयर अंडर रूट इन टू डी यू बाई डी एक्स। सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ यू इज इक्वल टू माइनस वन ओवर वन माइनस यू स्केयर इन टू डी यू ओवर डी एक्स। और जो थर्ड होगा थर्ड इज टैन इनवर्स ऑफ यू दिस इज वन ओवर वन प्लस यू स्केयर इन टू डी यू ओवर डी एक्स। फोर डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ यू दिस इज गुड माइनस वन ओवर वन प्लस यू स्केयर इन टू डी यू बाई डी एक्स। और नंबर फाइव डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड इनवर्स ऑफ यू इज गुड वन ओवर मॉड ऑफ यू इन टू अंडर रूट में आता है यू स्केयर माइनस वन इन टू डी यू बाई डी एक्स। अच्छा इन पाँच फार्मूलों में देखें जो सी से कौन सा फार्मूला स्टार्ट हो रहा है कॉज है और कॉट है, इनके साथ नेगेटिव आ रहे हैं, जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके साथ नेगेटिव आ रहे हैं, बाकी फार्मूलों में देखें कोसेकेंट भी है उसके साथ भी नेगेटिव आता है। जी कोसेकेंट का फार्मूला सो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंट इनवर्स ऑफ यू माइनस वन आवर मॉड ऑफ यू इन टू यू स्केयर माइनस वन अंडर रूट इन टू डी यू बाई डी एक्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहली बात एक तो बड़ी ऑब्वियसली याद रखनी है कि जो फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव नेगेटिव में आता है, और ये देख लें आप तीनों में नेगेटिव आ रहा है। आप चेक कीजिएगा जो हमने जो इनवर्स नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सिंपल उनका देखिएगा वो भी ऐसे ही आ रहे हैं, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, कॉट का डेरिवेटिव वो भी माइनस में, कोसेकेंट का भी डेरिवेटिव माइनस में आता है, तो सारे के सारे माइनस में आ रहे हैं। ठीक है एक रिजल्ट हमें याद रखने की बात कर रहा हूँ, याद रखने के लिए कैसे है ये फार्मूले थोड़े से मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं तो ज़्यादा टर्म्स आ रही हैं, लेकिन बात वही जाएगी प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आ जाएंगे मुश्किल नहीं होंगे। सो देखते हैं जी एग्जांपल पहली इसमें
find dy by dx if y is equal to sine inverse of x cube. हाँ जी, y is equal to sine inverse of x cube. बच्चों आप क्वेश्चन लिखो सारे और इसको आप देखें खुद. पहला sine inverse का फार्मूला, इसमें देखें u किसके इक्वल है, ठीक है. फिर sine inverse का फार्मूला अप्लाई करें तो आप देखेंगे sin inverse का फार्मूला सामने रखें, अप्लाई करें, डेरिवेटिव देखें कौन कौन बच्चे सही कर लेते हैं. जल्दी से एक मिनट के अंदर करें प्लीज़, एक मिनट के अंदर फिर मैं आपको बताता हूँ, चेक करेंगे किस किस ने बच्चे ने ठीक किया है. हाँ जी, u थोड़ा सा हिंट मैं देता हूँ, u किसके इक्वल रखेंगे. हाँ जी, एक्स क्यूब के इक्वल, u जो है एक्स क्यूब के इक्वल रखते हैं. अब आप करें जी, आप लोग फार्मूला देखें इसका क्या है साइन इनवर्स का. हाँ जी, फार्मूला भी देख लिया है. अब स्टेप बाय स्टेप करते जाएं जी, आगे क्या करना है. जहाँ u आता है वहाँ x क्यूब रखते जाएं, बिल्कुल सही है जी, एग्जैक्टली. आप लोग देखें आपने कैसे किया है और आप देखते हैं कि कितने लोगों ने सही लिखा हुआ है. डी ओके, लिखेंगे. लिखने का तरीका भी यही होता है कि ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, स्टेप जो है वो लिखने का तरीका भी बता रहा था कि आपने कैसे स्टेप फॉलो करने हैं. सो पहले डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब. हाँ जी, ये फार्मूला है साइन इनवर्स ऑफ यू, जनरलाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला. साइन इनवर्स ऑफ यू के वन ओवर वन माइनस यू स्केयर इंटू डी यू बाई डी एक्स. यू मैंने क्या किसके इक्वल है जी, एक्स क्यूब के इक्वल. तो यहाँ जहाँ यू आता है वहाँ एक्स क्यूब रखते जाएं. वन माइनस यू था स्केयर, यू की जगह एक्स क्यूब होल स्केयर आ गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये वाला यू जो था एक्स क्यूब आ गया. आसान काम है जी, कितना डेरिवेटिव आसानी से आ गया, कोई मुश्किल नहीं है. सिर्फ आपने पहचानना है कि u क्या है और फार्मूला याद रखना है. और अच्छा, अब बताएंगे कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है. पहला रूल था आई थिंक, पहला नहीं दूसरा तीसरा होगा, पहला तो कांस्टेंट फंक्शन रूल था, दूसरा या तीसरा रूल है जी. हाँ जी, कौन सा ये पावर रूल अप्लाई होगा, एक्स क्यूब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वेयर. सो थ्री एक्स स्क्वेयर ओवर वन माइनस एक्स पावर सिक्स आ गया. हाँ जी, आसान क्वेश्चन है, सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई मुश्किल तो नहीं है. देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, फार्मूलों को देखे लगता है कि बहुत ही मुश्किल चीज़ें हैं, लेकिन जब फार्मूले मुश्किल नहीं है, फार्मूले तो आपने आपको आसानी के लिए आ गए हैं, आपने अप्लाई करने उनको सीधा. ओके, देखते हैं जी एक और एग्जांपल. फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स. आप देखें इस फंक्शन में, इस फंक्शन में हम कितनी चीज़ें अप्लाई करेंगे, जो पिछले कंसेप्ट है वो सारे अप्लाई हो रहे हैं, बहुत सारे. कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं, एक देखें, दो फंक्शन हो गए, ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा एक, ठीक है. एक देखें प्रोडक्ट रूल लग गया. जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर सही नहीं पढ़े होंगे, रिवाइज नहीं किए होंगे, उनको नहीं आएगा ये, उनके लिए मसला होगा कि वो समझे कैसे आएगा. तो पहले देखें ये प्रोडक्ट रूल, दूसरा देखें ई रेज़ टू पावर एक्स, एक फंक्शन कौन सा आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, ठीक है. तीसरी बात क्या होगी, सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, तो सेकेंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया. तो तीन जो है हमारे पिछले कंसेप्ट सारे यूज हो रहे हैं इसमें. एक कौन सा था, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, तीसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव, तीनों एक ही क्वेश्चन में आ गए हैं. तो बच्चों देखो आप एक ही क्वेश्चन के अंदर कितने कंसेप्ट यूज़ हो गए हैं. जब पिछले लेक्चर नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा फिर इस तरह का. तो इसको देखते हैं जी सॉल्यूशंस का. हाँ जी, बच्चों क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका. हम अप्लाई करते हैं सारे जो भी हमने कंसेप्ट है पिछले वाले, इसके ऊपर अप्लाई होते हैं. तो सबसे पहले क्या करना है जी, दोनों साइड्स का डेरिवेटिव, इस इक्वेशन के दोनों साइड का डेरिवेटिव. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ पावर एक्स सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स. तो पहले क्या लगेंगे जी, प्रोडक्ट रूल पहले अप्लाई कर देंगे. प्रोडक्ट रूल में क्या है, ई रेज़ पावर एक्स को बाहर रखेंगे और सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस,
अब सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स को बाहर रखेंगे और ई रेस पावर एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली जी, बिल्कुल सही है ऐसे। हाँ जी बच्चों ने लिख लिया सब ने, अगले स्टेप पे जाएं। फार्मूला अब देखें जी, हमने अब यहाँ पे आए तो हमारे पास हमें सीकेंट इनवर्स का फार्मूला चाहिए। सीकेंट इनवर्स का फार्मूला ये है जनरलाइज यू, तो यू किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, इज पावर एक्स वन ओवर मॉड ऑफ एक्स, एक्स के मान वन अंडर रूट। देखें यू की जगह एक्स पुट कर दें, यहाँ पे यू की जगह एक्स पुट करते जाएं। हाँ जी बात समझ आएगी सबको। और एक्स का डेरिवेटिव चूंकि डी यू बाई डी एक्स है, तो फिर यू एक्स हो गया ना यू की जगह, तो इसका डेरिवेटिव वन होता है, तो हमने वन लिख दिया इधर। प्लस सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स और इन टू ई रेस पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही आ गया। तो आसान, डी वाई बाई डी एक्स इज गो टू ई पावर एक्स, वन से मल्टीप्लाई किया तो मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस ई रेस पावर एक्स इंटू सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स। ये था आपका क्वेश्चन, आपने हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन कुछ और लिखते हैं जी, हम देखते हैं बेसिक कंसेप्ट्स आपके कितने हैं बच्चों के। ठीक है जी, क्वेश्चन जो है हम लिख के करते हैं कुछ। बच्चों मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपने करने हैं, आप देखता हूँ कि आप कितने बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं बताऊँगा और उनके डेरिवेटिव लेंगे। सो हम कहता हूँ जी, ले वाई इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स। आप देखिए इसमें इसका डेरिवेटिव लेना है आपने, ये पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, डेरिवेटिव लेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डब्ल्यू आर टी, डब्ल्यू आर टी डब्ल्यू होता है विद, आर से रिस्पेक्ट और टी से टू, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस थ्री एक्स। आप देखिए कॉस क्यूब है, क्यूब है तो पहले कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल, तो आ जाएगा थ्री कॉस स्क्वायर एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ एक्स, कॉज का डेरिवेटिव होगा, तो कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ये इसका था डेरिवेटिव। आप क्वेश्चन लिखते हैं जी को, और y इज इक्वल टू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, फाइंड dy वाई बाई डी एक्स। ये फाइंड करना जी डेरिवेटिव। बच्चों आप देखो इसको क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, तो सबसे पहले करेंगे दोनों तरफ का डेरिवेटिव लेंगे, तो सेम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने बिल्कुल ऐसे लिख देना है कि सबसे पहले आप लिखें स्टेटमेंट भी लिख लें ओके, पहले आप ये इक्वेशन है हमारे पास साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों लिखो कैसे करेंगे आगे। हाँ जी क्या स्टेप, पहले लिखें सारे लिखें फिर मैं लिखूंगा उसके बाद, फिर आप ताकि देखें कितने बच्चों ने सही लिखा है। हाँ जी इसको चेक कीजिएगा जी, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये मैं इसलिए कह रखवा रहा हूँ कि बच्चे मुझे पता है मिस्टेक करते हैं कहाँ कहाँ। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि वो न इक्वल डालते हैं, जैसे इक्वल है इक्वल भी नहीं डालेंगे, इस साइड के ऊपर वाई लिखा होगा लेफ्ट के ऊपर और उधर डेरिवेटिव लिया होगा,
तो ये गलत होता है, दोनों तरफ डेरिवेटिव होता है फिर लिखना, ठीक है। या क्या होगा कि लेफ्ट साइड के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होगा, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो ये भी गलत है तरीका लिखना, ये गलतियाँ होती हैं मैथमेटिकली, इसको हम करेक्ट नहीं करेंगे कहेंगे, ठीक है। तो इस तरफ लेफ्ट के ऊपर डी वाई बाई डी एक्स लिखें जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इस तरह का। तो हमारे पास डेरिवेटिव हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब साइन का डेरिवेटिव पहले क्या होगा, कॉस होगा, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स, या एक्स नहीं है ना नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, नेचुरल लॉग का फिर डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या है जी, क्या डेरिवेटिव था, कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू वन ओवर एक्स, ये होगा इसका डेरिवेटिव। आसान जी भी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं है। बच्चों क्वेश्चन एक और लिखते हैं, तो वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू होल पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, फाइंड डेरिवेटिव बाय यूजिंग द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव लेना है बाय यूजिंग द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप सब पहला करें जी भाई, बच्चों क्या करेंगे, याद है अभी किया एक एक एग्जांपल की थी। हाँ जी, सबसे पहले करेंगे हम दोनों साइड्स का लॉग ले लेंगे, तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, सो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ थ्री एक्स माइनस टू, इसकी पावर थी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जो पावर है वो तो पहले आ जाती है बाय रूल, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ थ्री एक्स माइनस टू, ये बन गया। अब बताएं इसका डेरिवेटिव लेना आसान है जो पहले वाले का आसान था। हाँ जी बिल्कुल, अभी जो बन गया सिचुएशन ये आसान है इसका डेरिवेटिव लेना, तो आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं आसानी से। आप डेरिवेटिव लें जिस तरह पहले किया हुआ है और उसको एवेल्यूएट करें, डी वाई बाई डी एक्स करें। अच्छा, मैं एक और आपको क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा देखिए मुश्किल भी हो जाएगा आसान भी कह सकते हैं। वाई इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ये देखें इस सूरत में क्वेश्चन को मैं क्या करेंगे, तो आपने यूज़ करना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को, तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ बोथ साइड्स, सो नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स होल पावर कॉज ऑफ एक्स, ये कॉज ऑफ एक्स है याद रखिएगा, ये कॉज ऑफ एक्स। सो हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स, क्या पावर है तो वो पहले आ जाएगी, कॉज ऑफ एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ का, ठीक है जी, डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग डी आई डबल एफ, मैं मुख्तसर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग डी आई डबल एफ का मतलब होगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ वाई का होगा, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट बोथ साइड्स, नेचुरल लॉग ऑफ का डेरिवेटिव क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ वाई है, ये होता है वन ओवर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब कॉस को छोड़ देंगे और नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव, जो साइन एक्स है ये साइन एक्स को आप इसको यू कंसिडर कर लें, ये यू है, तो जनरलाइज फार्मूला जो है लॉगरिथमिक का वो अप्लाई करेंगे, सो वन ओवर आ जाएगा वन ओवर यू यानी वन ओवर साइन एक्स, वन ओवर साइन एक्स, और साइन एक्स का फिर डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। आप देखें आगे प्लस,
अब नेचुरल लॉग ऑफ साइन एस को छोड़ देंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे और कॉस का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, ये किसके इक्वल होएगा जी। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये देखिए कॉस एक्स है और ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स और ये कॉस एक्स, ये कॉस एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स और इस कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स प्लस ये माइनस, माइनस से पहले आ जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू, माइनस साइन एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। अब ये जो वन और वाई है इसको उधर दूसरा प्ले जाए मल्टीप्लाई जाएगा और वाई की जो वैल्यू है ये वाली आपने दोबारा इसमें पुट कर देनी है, देन यू विल गेट द आंसर। तो ये था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए वाई को साइन एक्स की पावर कॉस एक्स मुश्किल लग रहा था इसकी डेरिवेटिव लेना, लेकिन लॉग लेने से इसका डेरिवेटिव आसान हो गया करना। तो आपने खुद देखना होगा क्वेश्चन जब आएंगे तो किस तरह का क्वेश्चन है तो उसको कौन सा रूल अप्लाई करना है। तो बच्चों आज के लेक्चर पे हम इसी पे एग्जांपल से इख्तिताम करते हैं और क्वेश्चन आप एक्सरसाइज पे जाके देखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन वो करेंगे जो ऑड नंबर क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ऑड नंबर क्वेश्चन के आपको आंसर्स बुक में मिले हुए हैं, जब आंसर आपको पता होंगे आप क्वेश्चन करेंगे आपको आंसर टैली करेंगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। तो जब अगर आपने ऑड नंबर क्वेश्चन कर लिए तो इवन फिर आसान हो जाते हैं करना। तो आज के लेक्चर में इसी बात पर इख्तिताम करता हूँ, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक, अगले लेक्चर में फिर आपको नए टॉपिक के साथ आएंगे, तो इंशाल्लाह आप उम्मीद है कि ये जाके काम करेंगे सारे बच्चे। तो उस तक मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।